हेलो एंड वेलकम टू दिस क्लास एंड इन दिस क्लास विल बी स्टडिंग अबाउट ग्राफ्स, ओके बट आप जानते हैं ग्राफ जो है क्लास एलेवन फिजिक्स से कैनामेटिक्स का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है और फिज़िक्स में ग्राफ्स की अहमियत बहुत ज़्यादा है तो आपको जगह जगह में क्वेश्चन में बार बार ग्राफ मिल देखने को मिल जाएगा और बार बार आपको ग्राफ से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा ठीक है ना तो शुरू करते हैं हम लोग बेसिकली ग्राफ होता क्या है देखिए बेटा कंसिडर कर लीजिए आपके पास एक क्वान्टिटी है एक इक्वेशन है बेसिकली जो कि है वाई इज़ इक्वल टू टू एक्स प्लस सी अब इस इक्वेशन को देखा जाए तो इसमें आपको दो वेरिएबल्स बेटा नज़र आ जाएंगे एक वेरिएबल आप इसमें देखेंगे विच इज़ एक्स और एक वाला वेरिएबल अगर आप इसमें देखेंगे विच इज़ वाई ओके तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि अगर हम x वेरिएबल को बेटा चेंज करेंगे तो y वेरिएबल भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा जो ये y वेरिएबल है ये भी चेंज हो जाएगा तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि y जो है वो डिपेंड करता है x वेरिएबल पे y डिपेंड्स ऑन x y x पे डिपेंड करता है या इसको ऐसे भी फिजिक्स में रिप्रेजेंट किया जाता है y इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स यानी वाई जो है एक्स की फंक्शन है तो बेटा हम अक्सर देखते हैं फिजिक्स में एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल्स पे डिपेंड होता ही है तो हम क्या करते हैं ना इन वेरिएबल्स की डिपेंडेंस को शो करने के लिए हम ग्राफ्स बनाते हैं सो बेसिकली ग्राफ होता क्या है ग्राफ शोज़ अस द शोज़ अस द डिपेंडेंसी ऑफ वन वेरिएबल ऑन अदर डिपेंडेंसी ऑफ वन वेरिएबल ऑन अदर एक वेरिएबल जब भी दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड करता है तो हम उस डिपेंडेंस को एक ग्राफ के ज़रिए समझाने की कोशिश करते हैं जैसे अपने पास यहाँ ना इस इक्वेशन में दो वेरिएबल्स हैं एक y है और एक x है तो आप दो एक्सीज ड्रॉ कर लीजिए दोनों ही एक्सीज एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं एक एक्सीज पर एक वेरिएबल ले लीजिए y और दूसरी एक्सीज पर एक वेरिएबल ले लीजिए x अब ये कन्वेंशन है कि वाई वेरिएबल यानी जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम इस वाली एक्सीज पे लेते हैं वाइल लैस जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम दूसरी वाली एक्सीज पे ले लेते हैं ठीक तो बेटा देखें अगर आप इस इक्वेशन को इस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करेंगे कुछ तो ग्राफ किसी तरह का आएगा किसी तरह की लाइन या कुछ जो भी है जैसा भी है मान लीजिए इस लाइन का ग्राफ कुछ ऐसे आया तो ये लाइन जो है बेसिकली ग्राफ कहलाएगा और यही हमें जो है डिपेंडेंस दिखाएगा ठीक अभी आप मत सोचिए मैंने ये कैसे बनाया किस तरह से बनाया हम अभी इसको डील करेंगे तो बेसिकली ग्राफ का सिंपल मतलब होता है एक वेरिएबल जब दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड करता है तो हम क्या करते हैं ना हम उन वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू ए ग्राफ राइट उन वेरिएबल्स की डिपेंडेंस को ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया जाता है ठीक शॉर्टकट में आप याद रखेंगे इस चीज़ को चले बेटा चीज़ को समझते हैं देखो आ, पहली चीज़ तो आप एक चीज़ जहन में रखेंगे कि मान लीजिए किसी भी ग्राफ़ को आपको रीड करना है ग्राफ़ पे कोई भी सवाल आपको बनाना है तो सबसे पहली चीज़ जो इम्पोर्टेंट है किसी भी ग्राफ में वो होता है उसकी स्लोप एनालिसिस किसी भी ग्राफ की स्लोप एनालिसिस है ना आप जानते हैं स्लोप हम किसको कहेंगे वो एक आइडिया मैं बता देता हूँ आपको मान लीजिए आपके पास इस तरह का एक ग्राफ है ये एक्स एक्सीजीज मान लीजिए दिस दिस इज इज बेटा इस इस और मान लो कि आपके पास इस तरह से कोई एक पर्टिकुलर ग्राफ बन के आ रहा है ठीक है ना तो जब आप स्लोप डिफाइन करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय स्लोप ठीक है स्लोप का मतलब क्या होता है मान लीजिए आपको इस जगह पे स्लोप निकालना है ग्राफ का ठीक तो स्लोप कैसे डिनोट करेंगे आप यहाँ पे एक छोटा सा टेंजेंट खींच लीजिए बेटा एक टेंजेंट बनाइए आप इस जगह पे तो जैसे आपने एक टेंजेंट बनाया तो अब ये टेंजेंट एक्स एक्सीज के साथ हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है कंसिडर कीजिए इस एंगल को थीटा है तो इस पॉइंट पी पर हम स्लोप कैसे डिफाइन करते हैं हम ऐसे बोलते हैं स्लोप एट पॉइंट पी अगर हमें पॉइंट पी पर स्लोप चाहिए दैट मीन्स दैट इज़ इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स ठीक है दैट मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स स्लोप ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्राफ किसी ग्राफ पे स्लोप आपने बनाया है इस पॉइंट पर मीन्स आपको टेंजेंट बनाना है और वो टेंजेंट कितना एंगल बनाएगा इस एक्सीज के साथ दैट इज़ बेसिकली द स्लोप विद द पॉजिटिव एक्स एक्सीज राइट मान लो आपको इस पॉइंट पे स्लोप बनाना है ठीक है इस पॉइंट पे आपको स्लोप ड्रॉ करना है तो एक काम कीजिए इस पॉइंट पर एक टेंजेंट बना लीजिए आप ऐसे करके ठीक है ना तो ये टेंजेंट जो है कितने डिग्री का एंगल बना रहा है एक्स एक्सीज के साथ इस तरह से आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लीजिए ऐसे तो ये कितना एंगल बना रहा है इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ अगर ये पॉइंट क्यू है तो आप बोल सकते हैं स्लोप एट पॉइंट क्यू पॉइंट क्यू पर जो स्लोप है दैट विल बी इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स ठीक है ना इसको थीटा वन कह देते हैं इसको थीटा टू तो पॉइंट पी पर जो स्लोप होगा दैट विल बी टैन ऑफ थीटा वन एंड पॉइंट क्यू पर जो स्लोप है दैट विल बी टेन ऑफ थीटा टू तो आप समझ गए ना ठीक अच्छा चलें मुझे एक बात बताएं अगर आप अंडरस्टैंड कर गए हैं इस चीज़ को ग्रेस कर गए हैं तो मुझे एक बात बताइए इस पॉइंट पर अगर मैं स्लो बनाना चाहता हूँ टॉप मोस्ट पॉइंट पर तो आपको लगता है इस तरह से एक टेंजेंट बन जाएगा इस टॉप मोस्ट पॉइंट पर तो ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर ये टेंजेंट कितने डिग्री का एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ तो आप बोलेंगे सर देखिए ये तो टेंजेंट जो आपने उधर बनाया वो तो एक्स एक्सिस के पैरल है तो इस पॉइंट पर जो थीटा है एंगल है एक्स एक्सीज के साथ टेंजेंट का दैट इज़ यस यू आर राइट तो पॉइंट आर पर जो स्लोप होगा स्लोप एट पॉइंट आर आर पर जो स्लोप होगा दैट विल बी डी वाई बाई डी एक्स एंड वो होगा टेन ऑफ ज़ीरो यानी ज़ीरो राइट तो स्लोप जो है हाईएस्ट पॉइंट पर इस करो में ज़ीरो बनेगा तो आज से आप याद रखेंगे जब भी कोई लाइन जब भी कोई लाइन एक्स एक्सीस के पैरेलल होगी किसी भी तरह की लाइन ये लाइन देख लीजिए आप ठीक है ना ये वाली लाइन देख लीजिए आप इन दोनों लाइंस के केस में स्लोप जो है डी वाई बाई डी एक्स दैट इज़ ज़ीरो क्यों क्योंकि ये दोनों लाइंस एक्स एक्सीज के साथ जीरो डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही हैं तो पैरल लाइन्स जो पैरल लाइन्स होती हैं पैरल लाइन्स टू एक्स एक्सीस पैरल लाइन्स टू हॉर्जोंटल लाइन्स हॉरिजोंटल के जो लाइन्स पैरल होती हैं उनका स्लोप बेटा जीरो होता है दे हैव नो स्लोप एट ऑल राइट ओके तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को और नरिश करते हैं जैसे समझ लीजिए आपके पास एक ग्राफ है बिल्कुल इस तरह का अब ये वाई एक्सीज है यहाँ से ये एक्स एक्सीज है है ना और आपके पास एक लाइन है इस तरह से है वो लाइन ठीक है बिल्कुल इस तरह से मतलब ये जो लाइन है ना इट इज़ परपेंडिकुलर टू हॉरिजोनटल ये लाइन हॉरिजोनटल के परपेंडिकुलर में है तो अगर मैं आपसे कहूँ कि कितने डिग्री का एंगल बना रहा है ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ टी सिंह में सर नाइनटी तो इस लाइन का जो स्लोप आएगा बेटा क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स दैट इज टेन नाइनटी यानी इस लाइन का स्लोप आएगा इनफिनिटी समझ आई बात तो जो कोई लाइन एक्सिस के हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर हो तो बेटा उसका स्लोप आप आज से याद रखेंगे दैट कम्स आउट टू बी इन्फिनिटी तो क्या रखा आपने याद कि सर स्लोप जो होता है हमने पढ़ा अगर कोई लाइन पैरेलल हो तो ज़ीरो स्लोप होगा और अगर कोई लाइन एक्स एक एक्सिस के परपेंडिकुलर हो तो इनफाइनाइट स्लोप बन जाएगा ठीक है तो थोड़ी सी एनालिसिस हो थोड़ी सी एनालिसिस आप और देख लीजिए बेटा अगर मैं आपको इस तरह से एक लाइन बना के दे रहा हूँ ये एक लाइन बना रहा हूँ मैं ठीक है ना और एक लाइन मैं ऐसे बना रहा हूँ ठीक तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि चले बताए दोनों में से किस लाइन का स्लोप ए या बी दोनों में से किस लाइन का स्लोप ज़्यादा है तो पहला तरीका तो ये रहेगा कि सर देख लीजिए ये जो एक्सीज है यहाँ बना रहा है थीटा वन एंगल और सर दूसरी वाली जो लाइन आपने दी है वो बना रही है थीटा टू एंगल क्लियरली पता चल रहा है सर थीटा वन ग्रेटर देन थीटा टू है दोनों एंगल्स एक्यूट होते हैं तो सर स्लोप जो होगा स्लोप जो होगा ए का ए का जो स्लोप आएगा दैट बी टेन ऑफ थीटा वन और जो स्लोप आएगा बी का सर दैट विल बी टेन ऑफ थीटा टू सर हमने पढ़ा है बेसिक मैथमेटिक्स में अगर एंगल एक्यूट हो अगर एंगल एक्यूट हो तो एंगल बढ़ाने से एंगल बढ़ जाने से टेन थीटा का वैल्यू भी बढ़ता है जैसे सर टेन जीरो ज़ीरो होता है ठीक है ना और जैसे जैसे आप जीरो को एंगल को बढ़ाते जाएंगे थीटा को बढ़ाते जाएंगे टेन थर्टी टेन फोर्टी फाइव सर टेन का वैल्यू भी बढ़ता जाएगा लेकिन तब तक जब तक एंगल एक्यूट है और बढ़ते बढ़ते नाइन्टी पर इंफाइट वैल्यू हो जाएगा राइट तो इन दोनों में से शबश थीटा वन ज़्यादा है थीटा टू से तो आप बोलेंगे सर क्लियर सी तो बात है कि स्लोप ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी सर ए का स्लोप तो बी वाली स्लोप से ज़्यादा लग रहा है ज़्यादा है अच्छा बेटा एक और एक और चीज़ आप दिमाग में रखिए इधर देखिए अगर आप इसको देखेंगे मुझे बताइए एक चीज़ जो लाइन हॉरिजॉन्टल की तरफ़ होती है हॉरिजॉन्टल लाइन ठीक उसका स्लोप कितना होता है अभी आपने पढ़ा कि हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप जीरो होता है एज वर्टिकल लाइन का स्लोप क्या होता है वर्टिकल लाइन का स्लोप इन्फानाइट होता है तो आप बोलेंगे सर जो भी लाइन जो भी लाइन एक्स एक्सिस की तरफ ज़्यादा झुकी हुई होगी मतलब जो लाइन हॉरिजॉन्टल की तरफ जाना चाहती है उसका स्लोप कम होगा सर और जो लाइन वर्टिकल को टच करना चाहती है वर्टिकल की तरफ झुकना चाहती है उसका स्लोप ज़्यादा होगा तो अब ज़रा देख लें दोनों में से कौन सी लाइन हॉरिजॉन्टल के नज़दीक है ए या बी आप देखें ए यहाँ से इस तरह से हॉरिजॉन्टल के पास में है बिल्कुल पास में और बी लाइन तो हॉरिजॉन्टल से दूर है तो जो लाइन हॉरिजॉन्टल के पास होता है ना बेटा उसका स्लोप जो है वो ज़्यादा होता है और जो लाइन हॉरिजॉन्टल से दूर होती है उसका स्लोप कम उसका स्लोप सॉरी जो लाइन हॉरिजॉन्टल के नज़दीक होती है उसका स्लोप कम होता है और जो लाइन हॉरिजॉन्टल से दूर होती है उसका स्लोप ज़्यादा होता है ठीक है ना ओके चले अब मुझे कुछ और भी चीज़ें बताइए जल्दी से इसी कंसेप्ट को दिमाग में रखते हुए छोटी छोटी बातें हैं जल्दी से मुझे बताइए इस लाइन के बारे में आपका क्या ख्याल है स्लो बढ़ेगा या घटेगा तो आप बोलेंगे सर देख लीजिए ये कर्व पहले हॉरिजॉन्टल के बिल्कुल पास में थी और हम देख रहे हैं कि सर ये कर्व हॉरिजॉन्टल से दूर जा रही यहाँ देखिए छोटी सी डिस्टेंस फिर देखिए सर ये डिस्टेंस बढ़ रही है फिर देखिए सर हॉरिजॉन्टल से डिस्टेंस बढ़ रही है तो सर जो लाइन हॉरिजॉन्टल से दूर जाती है उसका स्लो बढ़ता है राइट right. तो इसका स्लोप भी क्या है ये एक राइजिंग स्लोप है यानी बढ़ता हुआ स्लोप है इस कर्व का ठीक जैसे मैं तुम्हें बोल दूँ इस पॉइंट पर चलिए स्लोप बताइए तो आप क्या करेंगे इस पॉइंट पर एक टेंजेंट बना देंगे ठीक इस पॉइंट पर टेंजेंट है ना तो जैसे आपने इस पॉइंट पर टेंजेंट बना दिया सर देख लीजिए दिस इज थीटा वन तो सर पॉइंट पी पर जो स्लोप होगा स्लोप एट पॉइंट पी सर पॉइंट पी पर जो कर्व का स्लोप होगा दैट विल बी सर डी वाई बाई डी एक्स और आपने हमें सिखाया है दैट इज़ टेन ऑफ थीटा वन एम ए राइट और पॉइंट क्यू पे मान लीजिए मुझे इधर पॉइंट क्यू पे स्लोप बताइए आप ठीक तो आप क्या करेंगे पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट खींच देंगे शानदार सर टेंट ऐसे बनेगा ठीक है ओके okay, सर आपने पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट खींचा सर देख लीजिए ये एंगल है थीटा टू ठीक है ना तो सर स्लोप एट पॉइंट क्यू क्यू पॉइंट पर आप ख़ुद से देख लो सर स्लोप वो आएगा डी वाई बाई डी एक्स और वो स्लोप जो है सर वो आएगा टेन ऑफ थीटा टू अब यहाँ से आप देख लो थीटा टू थीटा वन से ज़्यादा है और दोनों एक्यूट हैं तो क्या समझाया था एक्यूट एंगल्स जब बढ़ते हैं तो टेन का वैल्यू बढ़ जाता है विच मीनस दैट स्लोप एट पॉइंट क्यू स्लोप एट क्यू इज़ ग्रेटर देन स्लोप एट पी जो मैंने आपको पहले ही कॉन्सेप्ट से समझाया क्या जो लाइन हॉरिजॉन्टल से दूर जाती है उसका स्लो बढ़ता है या ऐसे भी याद रखो जो हॉरिजॉन्टल के करीब जा या वर्टिकल के करीब जाती है उसका स्लो बढ़ता है हॉरिजॉन्टल से दूरी स्लोप का बढ़ना हॉरिजॉन्टल से नज़दीकी स्लोप का घटना समझ आई बात ओके चलिए अब इस लाइन के बारे में आपका क्या ख्याल है बस ओके okay, तो मुझे बताइए इस लाइन के बारे में आपका क्या ख्याल है अब ये लाइन क्या कर रही है ये वर्टिकल के नज़दीक जा रही है वर्टिकल से दूर जा रही है अब आप ख़ुद से सोचिए क्या हो रहा है कि ये लाइन वर्टिकल से पहले तो पास में थी बाद में देखिए वर्टिकल से दूरी बढ़ रही है तो सर हो क्या रहा है कुछ नहीं बेटा ये लाइन हॉरेजोंटल होना चाहती है तो अगर ये लाइन हॉरेजोनटल होना चाहती है मतलब इसका स्लोप घट रहा है जो लाइन हॉरेजोनटल होना चाहती है वो अपना स्लोप घटाना चाहती है लॉजिकली समझ आई बात ठीक है ओके okay, चलो अब इस कंसेप्ट को थोड़ा सा और समझो जैसे तुम्हें इस पॉइंट पर स्लोप निकालना है तो इस पॉइंट पे क्या करेंगे ड्रा टेंजन ड्रा कर देंगे ठीक है ना अगर तुम्हें किसी इस पॉइंट पे स्लोप निकालना है तुमने मैंने टेंजन ड्रा किया यहाँ देखो एंगल थीटा वन बन रहा है है ना अभी आपको मान लो कि इस पॉइंट पर टेंज ये स्लोप निकालना है तो अब क्या करेंगे इस पॉइंट से एक टेंज खींचेंगे ठीक है अब देखिए अब ये टेंजेंट कितना एंगल बना रहा है ये थीटा टू बना रहा है क्लियर कट दिख रहा है कि थीटा टू छोटा एंगल है थीटा वन से है ना तो थीटा टू छोटा एंगल है तो हम जानते हैं कि टेन थीटा भी छोटा होगा टेन थीटा वन से हाँ लेकिन यहाँ याद रखना एंगल्स एक्यूट होने चाहिए तब ये कंडीशन है जो एंगल छोटा वहाँ टेन भी छोटा तो मतलब स्लोप जो है पॉइंट क्यू पे क्यों पे वो कम होगा स्लोप जो है पॉइंट पी पे है ना तो इस लाइन का स्लोप जो है वो फॉलिंग स्लोप है इसका स्लोप धीरे धीरे घट रहा है इसका स्लोप धीरे धीरे कम हो रहा है ठीक ओके तो ग्रेट आप ये समझ गए कि इसका स्लोप क्या है राइट ओके चले बेटा एक और एग्जांपल से समझते हैं मुझे इस एग्जांपल में ज़रा बताइए आपको क्या लगता है इस एग्ज़ाम्पल के केस में अगर मैंने लाइन ऐसे बना दी तो, तो अब देखिए अब बोलेंगे सर आप किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा करो सर तो आपको क्या दिखेगा कि थीटा हर जगह कांस्टेंट है चाहे आप इधर बनाओ टेंजेंट चाहे आप इधर बनाओ टेंजेंट चाहे आप इधर बनाओ टेंजेंट सर ये लाइन जो है ना हर जगह स्लोप कांस्टेंट है हर जगह एंगल कांस्टेंट है मतलब स्लोप इज़ कांस्टेंट इसका स्लोप कॉन्स्टेंट है ठीक तो मतलब यानी दूसरे अल्फाज में भी तो समझो जैसे मैंने कन्सेप्ट बताया क्या कि ये लाइन ना तो एक्सिस के करीब जाना चाहती है हॉरिजॉन्टल के करीब ना ही वर्टिकल के करीब जाना चाहती है बस जैसे वैसे चलना चाहती है बस इनफानाइट तक जाना चाहती है चलते ही रहना चाहती है तो मतलब इस लाइन में इस लाइन में बेटा स्लोप कांस्टेंट है इसका स्लोप जो है वो कॉन्सटेंट है कैसे डिफाइन करेंगे टेन थीटा डी वाई बाई डी एक्स ओके पॉजिटिव स्लोप है और साथ साथ में कॉन्स्टेंट बी है राइट right. तो क्या समझे आप अभी तक कंक्लूजन क्या निकला कि सर स्लोप बेसिकली होता है टेन थीटा और सर अगर थीटा एक्यूट एंगल है तो सर स्लोप पॉजिटिव होता है ठीक है तो सर आपने हमें ये वाले कर्व समझाए हैं अभी तक सर ये वाला कर्व आपने समझाया सर इसका स्लोप जो होता है वो तो ज़ीरो होता है सर ये वाली कर्व देख लीजिए आपने अभी बोला इसका स्लोप जो होता है वो कॉन्स्टेंट होता है ग्रेट ओके okay. और क्या बताया मैंने शबेश और मैंने बताई और दो कर्वज़ इस वाली कर्व के बारे में क्या ख्याल है इस वाली कर्व के बारे में क्या ख्याल है तो आप कहेंगे सर ये वाली कर्व जो है इसका स्लोप जो है वो राइजिंग है बढ़ रहा है वाले सर इसका स्लोप जो है वो फॉलिंग है वो स्लोप सर घट रहा है ठीक तो ये चार केसेस हम लोगों ने देख लिए हैं ये ज़ीरो स्लोप वाला केस ये कांस्टेंट स्लोप वाला केस ये राइजिंग स्लोप वाला केस ये फॉलिंग स्लोप वाला केस लेकिन सब में स्लोप पॉजिटिव सब के सब केसेस में स्लोप पॉजिटिव आई होप आपको जो बातें मैं समझा रहा हूँ वो आप समझ रहे हैं क्लियर ना अब देखिए अब कुछ और कर्वस भी हैं जिनके बारे में बात करनी है देखिए बेटा एक और करो समझ लीजिए आप ये वाई एक्सीज़ है ये कन्वेंशनल है वाई है ये एक्स है आप जानते हैं इस चीज़ को मान लीजिए कि हमारे पास हमारे पास एक एक्सीज़ है एक ग्रैफ है वो कुछ ऐसे है अब इसके बारे में आपका क्या ख्याल है आप बोलेंगे सर ठीक है अगर आप इसका स्लोप निकालना चाहते हैं ठीक है इसको एक्सटेंड कर दीजिए यहाँ ठीक और ये वाला जो एंगल होगा ख्याल रखिएगा ये वाला एंगल नहीं हमें पॉजिटिव एक्सीज़ के साथ एंगल देखना है ये वाला एंगल सर इसका स्लोप जो होगा ठीक है और सर थीटा इधर ओबटूस है दो सर अगर थीटा ओब्यूस है तो स्लोप नगेटिव होने वाला है ठीक है ठीक स्लोप नेगेटिव है इस केस में समझ आई बात ओके okay. लेकिन चूँकि लाइन ना एक्सएक्ज के पास ना वाई एक्सीज के पास जाना चाहती है कॉन्स्टेंट दूरी मेंटेन किया हुआ है ये थीटा चेंज ही नहीं होगा किसी भी पॉइंट पर टेंज एंड ड्रा करो तो मतलब सर स्लोप तो नेगेटिव है लेकिन सर नेगेटिव स्लोप कांस्टेंट है यहाँ स्लोप नेगेटिव है लेकिन ग्रेड सर नेगेटिव के साथ साथ कांस्टेंट भी है ओके तो बेटा इस ग्राफ का मीनिंग मुझे समझाइए अब मान लीजिए ऐसे है मेरे पास एक ग्राफ अब बताइए मुझे इस ग्राफ़ का मीनिंग क्या है क्या इसका स्लोप पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा चलिए समझते हैं किसी एक पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा करते हैं चलो इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा किया मैंने है ना इस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इस वाले पॉइंट पे अब ये रहा सर थीटा है ना तो सर आप स्लोप निकालेंगे स्लोप इज टेन थीटा तो सर टेन थीटा यहाँ नेगेटिव आएगा क्योंकि सर थीटा ऑब्टि है ओके बेटा ग्रेट तो मतलब ये वाली जो लाइन है ये नेगेटिव स्लोप को डिनोट करती है ठीक है ग्रेट ग्रेट समझ गए नेगेटिव स्लोप को डिनोट करती है लेकिन नेगेटिव स्लोप को डिनोट कर रही है क्या ये स्लोप बढ़ रहा है या घट रहा है तो बोलेंगे सर ध्यान से देखिए इस चीज़ को आप सिंपल सा लॉजिक आपने ही अभी बोला कि जो लाइन हॉरिजॉन्टल होना चाहती है उसका स्लोप घट रहा है तो ये लाइन देखिए सर पहले तो ये अच्छी खासी वर्टिकल थी है ना ऐसे करके फिर सर देखिए इसकी हरकतें क्या हो गई ये हॉरिजॉन्टल होना चाहती है। और देखो सर हो भी गई तो बेटा अगर ये लाइन हॉरिजॉन्टल हो रही है तो मतलब क्या है इस चीज़ का मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है उसका स्लोप घट रहा है तो ये जो लाइन है ना ये डिक्रीजिंग स्लोप को फॉलिंग स्लोप को डिनोट करती है ठीक फॉलिंग स्लोप को डिनोट करती है राइट अभी आप कॉन्सेप्ट से समझो इसको ठीक है ना फिलहाल तो तुमने मैंने आपको ट्रिक बता दी कि बस जो लाइन हॉरिजॉन्टल होना चाहती है उसका स्लोप फॉल कर रहा है ठीक है ओके जैसे इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और समझते हैं डिटेल्ड वे में अगर हम इसको ऐसे बनाना चाहेंगे ये कर्व है ना हमारी अब देखो दो पॉइंट्स में ले रहा हूँ एक पॉइंट मैं यहाँ ले रहा हूँ पॉइंट पी एक पॉइंट में यहाँ ले रहा हूँ पॉइंट क्यू जरा आप बेटा टेंजेंट बनाइए टेंजेंट सर ऐसे आएगा पहली वाली लाइन के लिए और सर दूसरी वाली लाइन दूसरे वाले पॉइंट के लिए टेंजेंट कुछ ऐसे आएगा लगभग है ना तो सर देख लीजिए आप यहाँ का एंगल थीटा वन समझ लीजिए और सर इधर का एंगल आप समझ लीजिए थीटा टू है तो बेटा ज़रा मुझे बताओ ट थीटा वन और टेन थीटा टू में ज़्यादा कौन है अच्छा पहले बताइए थीटा वन और थीटा टू में ज़्यादा कौन है तो क्लियर कट दिख रहा है सर थीटा वन और थीटा टू में मेरे को तो थीटा टू ही ज़्यादा लग रहा है यू आर राइट थीटा टू ज़्यादा है तो सर एंगल बढ़ गया ओके ग्रेट सर अगर एंगल बढ़ गया आपको नहीं लगता बढ़ना चाहिए क्यों भाई क्यों बढ़ना चाहिए क्योंकि सर टेन थीटा टू सोच तो लो थीटा टू ज़्यादा तो स्लोप ज़्यादा अरे नहीं बेटा यहाँ एक गड़बड़ है जो आप कर रहे हो और वो क्या है वो थीटा ओबट्यूस है यहाँ इसका मीनिंग क्या है कि सर ओबट्यूस में जैसे थीटा बढ़ता है टेन थीटा का वैल्यू घटता है बेटा बेसिक मैथ पढ़ के आए हैं क्या कि थीटा का वैल्यू जितना बढ़ता है ओबट्यूस के केस में टेन का वैल्यू उतना घटता है ठीक तो टेन थीटा टू जो है वो कम होगा थीटा वन से तो याद रखेंगे स्लोप जो होगा एट क्यों वो कम होगा देन स्लोप एट पी है ना तो ये मैथमेटिकली हो गया हमने समझाया ठीक लेकिन जो कंसेप्ट मैंने आपको बोला वो यही समझेगा इसी तरह से याद रखिएगा क्या कि सर जो लाइन हॉरिजॉन्टल होना चाहती है उसका स्लोप घट रहा है ओके चलिए आगे बढ़ते हैं अब इस लाइन के बारे में बेटा जी आपका क्या ख्याल है क्या विचार हैं आपके इस वाली लाइन को लेके इस वाली लाइन को लेके तो बोलेंगे सर मैं देखिए ये लाइन के बारे में पहली बात तो ये है कि मैं दावे से कह सकता हूँ इस लाइन का स्लोप जो है वो पॉजिटिव नहीं नेगेटिव आएगा क्यों क्योंकि जर किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट बना ही लो एक बार ये मैं आपको यकीन नहीं होता बना लो टेंजेंट ठीक है बना लिया तो तो जर देख तो लो ये एंगल ओबट्यूस है ओबट्यूस एंगल के केस में शबश स्लोप विल बी पॉजिटिव नेगेटिव सॉरी स्लोप नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव स्लोप है ग्रेट ओके नेगेटिव स्लोप ठीक और दूसरी बात सर देख लो ये लाइन वर्टिकल होना चाहती है दिस लाइन इज लाइन इज ट्राइंग टू बिकम वर्टिकल पहले सर देख लो ये अच्छी खासी हॉरिजोंटल थी अब ये लाइन गिर कर गिर कर गिर कर देख तो लो वर्टिकल होना चाहती है तो बेटा जो लाइन वर्टिकल होना चाहती है उसका स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है यस एब्सोल्युटली राइट उसका स्लोप बढ़ रहा है जो लाइन वर्टिकल होना चाहती है उसका लाइन स्लोप बढ़ रहा है तो सर पहली बात इसका स्लोप नेगेटिव है और सर दूसरी बात साथ साथ में राइजिंग है बढ़ रहा है इसका स्लोप नेगेटिव स्लोप है लेकिन बढ़ रहा है ठीक है ना चलें एक कंक्लूजन मारते हैं सब में जो हमने पढ़ा सबसे पहली चीज़ इस तरह की लाइन सर इसका स्लोप तो ज़ीरो है आप तो बताए थे अभी ये वाली लाइन सर इसका स्लोप जो है वो है है ना बेटा और पॉजिटिव है ओके ग्रेट इसके बाद सर ये वाली लाइन देख लो बेटा मुझे बताओ इस वाली लाइन के बारे में क्या ख्याल है सर इस लाइन का जो स्लोप है वो आप बता चुके हैं वो पॉजिटिव है और साथ साथ में सर इसका स्लोप राइजिंग है क्योंकि ये वर्टिकल होना चाहती है ये लाइन ठीक ओके तो मुझे बताओ इस लाइन के बारे में क्या ख्याल है सर इस लाइन का स्लोप इस लाइन एक करु बोलते हैं इस लाइन इस कर्व का स्लोप पॉजिटिव है लेकिन सर फॉलिंग है क्यों फॉलिंग क्यों है क्योंकि सर ये देखिए शुरू में तो ये वर्टिकल के तरह थी लेकिन बाद में ये हॉरिजॉन्टल हो रही है ठीक है ओके ग्रेट ओके तो दीज आर डिफरेंट कर्व राइट ओके, ओके 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 सर फिर उसके बाद सर इस वाली कर्व के बारे में क्या ख्याल है बेटा जरा मुझे बोलो सर ये वाली कर्व का स्लोप पहली बार तो नेगेटिव है और दूसरी सर कॉन्स्टेंट है ओके तो मुझे बताइए इस वाली लाइन के बारे में क्या ख्याल है सर इसका स्लोप तो नेगेटिव है लेकिन सर देखिए ये लाइन पहले वर्टिकल थी अब ये हॉरिजॉन्टल होना चाहती है तो सर इसका स्लोप घाट रहा है इसका स्लोप घाट रहा है नेगेटिव स्लोप घट रहा है ओके अब ये मत बता दीजिएगा कि नेगेटिव स्लोप घट रहा है मीनस ओरिजिनली बढ़ रहा है ऐसा कुछ नहीं नेगेटिव स्लोप घट रहा है स्लोप नेगेटिव के मीनिंग होते हैं हम आगे में देखेंगे चलें अच्छा इस वाली कर्व के बारे में आपके क्या ख्याल है इस वाली कर्व के बारे में तो सर इस करो के बारे में ख्याल क्या है पहले ये हॉरिजॉन्टल थी अब ये वर्टिकल होना चाहती है पहली बात सर स्लोप वर्टिकल होना चाहती है तो स्लोप बढ़ेगा बढ़ेगा और सर स्लोप नेगेटिव भी है इस करव का स्लोप इज़ नेगेटिव ठीक तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो है ना वो क्रिस्टल क्लियर हो रही हैं मैं कहना क्या, क्या चाहता हूँ राइट अच्छा बताइए मैं कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ मुझे बताए इन चीज़ों का आंसर बताइए मुझे जैसे मैंने ऐसे पूछ लिया कि मेरे पास एक करव है अब बताओ कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं इस करो पे जहाँ पे स्लोप जीरो है तो आप पहले मार्क करेंगे सर ये पॉइंट क्योंकि देख लो सर टेंजट बनाओगे तो स्लोप जीरो मिलेगा सर ये वाला पॉइंट टेंजड़ बनाओगे तो स्लोप जीरो ये वाला पॉइंट स्लोप जीरो टेंजट यहाँ स्लोप जीरो टेंजट सर इस करो पे चार ऐसे पॉइंट्स हैं जिधर स्लोप ज़ीरो है ओके तो बताओ पॉजिटिव वाला स्लोप किधर किधर पर है ज़रा इंडिकेट करो सर देखिए सबसे पहले इस पॉइंट पे यहाँ से यहाँ तक कोई भी पॉइंट होगा स्लोप पॉजिटिव होगा सर यहाँ से यहाँ तक स्लोप पॉजिटिव रहेगा और ये सर देखिए ये स्लोप नेगेटिव होगा नेगेटिव स्लोप और सर देख लो यहाँ से भी फिर नेगेटिव स्लोप होगा ओके तो आप स्लोप का मीनिंग समझ गए ठीक है बेटा तो मिलते हैं अगली क्लास में अब देखिए स्लोप की मीनिंग्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट जगह हम इसको यूज़ करेंगे ठीक है ना तो ग्राफ्स का पहला टॉपिक होना चाहिए स्लोप एनालिसिस एंड यू शुड बी एबल टू डू स्लोप एनालिसिस फिर आपको ग्राफ समझ आ जाएगा तो पहले आज की क्लास में आपने स्लोप एनालिसिस किया आप इसको पूरा अच्छे से समझें एक दो बारी रिवाइज़ कर लें ठीक है मिलते हैं बेटा अगली क्लास में